अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। इस मीठे में आपको रसमलाई, रबड़ी और अरेबियन कोटिंग तीनों का टेस्ट मिलेगा। बनाना बेहद आसान है। जिन्होंने कभी कुकिंग ना की हो या कुकिंग सीखना स्टार्ट किया हो वो भी बना सकते हैं। और यकीन करें, ये डेजर्ट इतना टेस्टी बनता है, अगर आप एक बार बना लेंगे तो आपका फेवरेट डेजर्ट बन जाएगा। चले मैं अब आपको काट के दिखाती हूँ ये कितने मज़े का बना है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त क्रीमी क्रीमी सा हमारा डेजर्ट बिल्कुल तैयार है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल किचन विद जासमीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चले फिर मज़ेदार से क्रीमी से डेजर्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चले मज़ेदार से डेजर्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में डालेंगे 1/2 लीटर के करीब दूध, इसी दूध से मैं 3 से 4 चम्मच एक बाउल में दूध सेपरेट कर लूँगी और बाकी दूध को बॉयल होने देंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ वनीला कस्टर्ड, सेपरेट किए हुए दूध में डालूँगी 2 से 2.5 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपने ऐसे ही अच्छी तरह मिक्स करना है, कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कस्टर्ड मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब दूसरी साइड पर दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया। दूध में सबसे पहले डालेंगे 3 से 4 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और दूध को मज़ीद थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। दूध को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। अब इसके अंदर शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम 2 चम्मच। आप इसकी जगह बलाई भी शामिल कर सकते हैं। इससे हमारा डेजर्ट बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा तैयार होगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर कस्टर्ड मिक्सचर शामिल करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और हल्के हाथों से हिलाते जाएंगे। हिलाना आपने बिल्कुल बंद नहीं करना वरना लम्प आ जाएंगे। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट पकाने के बाद कस्टर्ड काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। हमें बिल्कुल इसी तरह का कस्टर्ड चाहिए था। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ ब्रेड के कुछ स्लाइस, इनके किनारे में लैदा कर दूंगी। ब्रेड के किनारे मैंने सेपरेट कर लिए। अब एक बाउल लेंगे, इसमें ब्रेड के स्लाइस सेट कर देंगे। ब्रेड को मैंने सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे कस्टर्ड, कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। कस्टर्ड की मैंने एक लेयर लगा दी है, आधा कस्टर्ड मैंने बचा लिया है, वो बाद में ऐड करेंगे। अब दोबारा से ब्रेड रखेंगे, दोबारा से इस तरह ब्रेड का स्लाइस सेट कर देंगे। अब जो हाफ कस्टर्ड मैंने बचा के रखा था उसकी सेकंड लेयर लगा देंगे। अच्छी तरह आपने ऊपर से सेट कर देना है। ये इतना अमेजिंग सा डेजर्ट बनकर तैयार होता है, ये किसी केक या पेस्ट्री से कम नहीं है। बिना बेक किए इतने कम टाइम में झटपट से रेडी हो जाता है। सारा कस्टर्ड मैंने सेपरेट कर दिया। यहाँ मैं ले रही हूँ व्हिप क्रीम, ये मार्केट से इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास व्हिप क्रीम ना हो तो आप ऑलपर्स या किसी भी ब्रांड की कोई भी क्रीम ले सकते हैं। इसे मैं डालूंगी बाउल में। मैंने एक पैक लिया है, आप अपने बर्तन के हिसाब से ले सकते हैं। क्रीम को अब मैं व्हिप कर लूंगी। क्रीम हमारी व्हिप हो गई है। अब कस्टर्ड के ऊपर क्रीम की लेयर लगाएंगे। अच्छी तरह फैला देंगे। क्रीम की लेयर लग गई है, अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। गार्निश आप जिस तरह चाहें कर सकते हैं। गार्निश करने के बाद हम इसे रख देंगे फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। डेजर्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे रख देते हैं 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट रख लें तो और भी अच्छी बात है।
4 से 5 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह झटपट क्रीमी डेजर्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। दावत वगैरह हो तो आप ये मीठा लाजमी बनाएं, आपको आपकी फैमिली को और मेहमानों को इंशाल्लाह ये मीठा बहुत पसंद आएगा। स्पेशली बच्चे तो फरमाइश करके ये मीठा बनवाएंगे। इसकी लुक देखें, जितना देखने में खूबसूरत है इससे कई गुना ये खाने में ज़्यादा मज़े का है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।